1 minute 37 seconds later. मजा आया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बाबा खैर, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर जी, आप ज़रा रूम में रात ज़रा चेंज देख रहे होंगे, मैं इंटरनल छुट्टी आया हूँ अपने कज़न की तरफ, तो सब लोग चले गए जी जॉब पर और मेरी तो आज ऑफ था, तो इसलिए आज बनाऊँगा जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो ये हमने ढूंढ लिए हैं। उसके बाद जी हमें ढूंढनी है जी सफ़ेद मिर्च, ये जी सफ़ेद मिर्च हमें मिल गई है, तो जी हम आ गए जी किचन में। ये वैसे किचन इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इनका रूम है। ये हमने चढ़ा लिया जी ऊपर पैन, पैन के अंदर हमने डाल दिया जी ऑयल, और ये फ्लेम किया जी ऑन, फ्लेम को किया मीडियम ताकि हमारे अंडे जल ना जाए। अच्छा जी, फ्लेम हमने जो है वो कर दिया ऑन ताकि जो है ऑयल ज़रा गर्म हो जाए। उतनी देर में हमने काट लिया जी ग्रीन चिलीज बारीक बारीक, क्योंकि मुझे जो है ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए सालन हो या कुछ जो मेरी कोशिश होती है कि ग्रीन चिली हो। तो ग्रीन चिली काटने के बाद ही हमने ये दो अपने जो है थे वो हमने जो है तो कर अपने पैन में डाल दी है। तो ऊपर ये चीज़ जो काटी थी वो हमने डाल दी है, और ये देखिए ज़बरदस्त जो कार है माशाल्लाह, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी लगती है। पता नहीं ऐसे कौन कौन जो है फ्राई एग्स के ऊपर ग्रीन चिली डाल कर खाता है, अगर कोई किसी को पसंद है, कोई खाता है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा जी, हमें भी ये पसंद है। तो मैंने जो है दो मिर्चें काटी थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने जितनी भी थी वो मैंने तमाम की तमाम जो है वो सारी जो है मैंने इसके ऊपर काट कर डाल दी थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, क्योंकि अंडा तैयार होने के बाद हमारे पास जो ब्रेड थी उसको हमने थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हल्का सा गर्म कर लिया। उसके करने के बाद जी हमने रख दी यहाँ पे चाय अपनी, पैन में दूध और पत्ती चीनी सब कुछ डाल के हमने चाय इसके अंदर रख दी जी। उसके बाद जी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। ये चाय, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्राई एग जो था वो है, और ये ब्रेड हल्की हल्की और मज़ा आ गया। मैं ये चाय फिर हमने और बची थी वो ली, और साथ में एट द एंड हमारे पास बिस्किट से, ये पाकिस्तान से रात ही आए हैं हमारे पास, और ये बिस्किट और ये बाहर का व्यू, और मैं कहता जी नाश्ते का मज़ा आ गया, कमाल हो गया, बहुत ही मज़ा आया नाश्ते का। अपने हाथ से नाश्ता बनाने का मज़ा ही और है। और जी नाश्ता करने के बाद बर्तन सब कुछ धो धा के एकदम किचन हमने नीट एंड क्लीन कर दिए जी। कोई सफाई का भी खास ख्याल रखना होता है भाई, जहाँ पर भी हो आप, बेशक आपका रूम अपना है, किसी का भी सफाई का खास ख्याल रखें। ये ऑयल की बोतल हमने रख के कबर्ड जो है हमने कर दिया बंद, और सफाई का एकदम देखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सब कुछ, बर्तन वॉश करने वाला नहीं है, और ये यहाँ पर भी हमने सब क्लीन वगैरह कर दिया है। तो ये है जी वंस अगेन बाहर का व्यू, और बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।